और भी मजेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को को दबाएं उनके को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स आज से बच्चों हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इंटीग्रेशन इन द कमिंग फ्यू वीक्स वील बी कवरिंग दर इंटीग्रेशन पार्ट थ्रू डिफरेंट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देखिए आप में से बहुत से लोग अलग अलग बुक्स रेफर करते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल बट इन माई लेक्चर सीरीज आई विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग एम एल अगरवाल वाइट आई विल बी टेकिंग अप दिनसॉल्व क्वेश्चन ऑफ एम एल अगरवाल नाउ डेज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ एम एल अगरवाल है तो एम एल अगरवाल आई एस सी और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इट इज अ परफेक्ट ब्लैंड तो हम अपने लेक्चर में वही बुक फॉलो करेंगे और उसी के अनसॉल्व क्वेश्चन में आपको लेक्चर में सोल्व कराऊंगा आज के लेक्चर में वील बी स्टार्टिंग वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन अच्छा इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दैट आर यूज्ड इन द इंटीग्रेशन दैट शीट इज प्रिपेयर्ड बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड आई रियली थैंक ऑल माय स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर्ड दीज फॉर्मूला शीट्स

स्टार्ट विथ देशन देखो बच्चों इंटीग्रेशन समझने से पहले मैं हमेशा कहता हूं मैथ्स के टॉपिक को अगर हम फिजिकली रिलेट कर ले गए तो हमारे लिए टॉपिक थोड़ा आसान हो जाता है तो पहला क्वेश्चन आता है कि वॉट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंशिएशन भाई पहले के लेक्चर्स में पहले के क्लासेस में टॉपिक्स में आप डिफरेंशिएशन कवर करके आए हो फाइन अब हमें इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन तो डिफरेंस को हम फिजिकल सिग्निफिकेंस से समझेंगे बच्चों किसी भी पॉइंट पर अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मैं निकाल रहा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट डिफरेंशिएशन मुझे सीधे टेंजेंट का स्लोप देता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फिजिक्स में भी हमने डिफरेंशिएशन के काफी एप्लीकेशंस पढ़े हैं जैसे डी एक्स बाई डी मुझे एक्सिलेशन देता, देता है तो क्लास के के चुके हो नाउ कमिंग ऑन टू आर वेरी ओन टॉपिक दैट इज इंटीग्रेशन द बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन तो देखिए बच्चों इंटीग्रेशन टेल्स मी any रीजन अगर मुझे कहीं भी किसी रीजन का एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन कैन प्रूव टू बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल टूल और मुझे बहुत आसानी से ये एरिया निकाल के दे देता है बट एप्लीकेशन वाला पार्ट हम बहुत बाद में समझेंगे पहले हम टूल के बारे में जाने भाई हमें इंटीग्रेशन एरिया देता है ये तो ठीक है बट हम निकालेंगे कैसे एरिया मैं इंटीग्रेशन पे ऑपरेट कैसे करूंगा तो दैट इज वॉट विल बी कवरिंग इन फर्स्ट फ्यू लेक्चर जब हम एप्लीकेशन ऑफ पढ़ेंगे तो वहां पर स्ट्रिक्टली बी डीलिंग विद एरिया कवरेज थ्रू इंटीग्रेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छा इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले दो तीन चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं जो बहुत से बच्चों को डाउट रहता है आपको लॉग और एक्सपोनेंट्स के बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए जैसे ई टू दावर लॉग इफेक्ट्स इसकी वैल्यू आएगी हमेशा एफ एक्स फाइन ये हमें हमेशा ध्यान रखना है या अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो जनरलाइज कह सकता हूं ए टू दॉग एफ एक्स बेस ए इस एफ एक्स फाइन ये हम फॉर्मूला ऑलमोस्ट लगभग हर एक्सरसाइज में एक या दो बार इस्तेमाल करेंगे ठीक है ना एक और लॉग की प्रॉपर्टी है ए टू दी पार लॉग एक्स इसको मैं x दी रिप्लेस कर सकता हूं कुछ में हम करेंगे देखिए ये सब कुछ वो प्रॉपर्टीज हैं जो मेरे इंटीग्रेशन के आंसर को फंसा देती हैं कभी कभी मुझसे आंसर नहीं आता वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि मुझे ये बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं पता है ठीक है ना तो सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं प्लीज डाउनलोड शीट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन दैट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वहां से आपको सभी फॉर्मुले कंसोलिडेटेड मिल जाएंगे हर लेक्चर में मैं एक नए स्टूडेंट की फॉर्मूला तो बाय द द एंड ऑफ सीरीज यू विल बी एबल टू गेट अ नंबर ऑफ लेक्चर नंबर ऑफ फॉर्मूला शीट आपको जो कन्वीनियंट लगे यू कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर पार्ट चलिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं मान लेता हूं मैं आपसे कहता हूं फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स ठीक कैसे करूंगा

अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई ए टू दावर लॉग एक्स बेस ए इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स अगर मैं यहां पर किसी तरह फोर ले आऊं तो मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूं तो अब इसको फोर लाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं फोर टू दावर वन बाई टू और इसको लिख दू लॉग फोर एक्स डी एक्स ठीक अब मेरे को मालूम है एन टू दावर लॉग ए ये होता है लॉग ए टू दावर एन तो इस पर्टिकुलर पार्ट part में अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो आई विल गेट फोर लॉग सॉरी फोर पावर में लॉग फोर एक्स टू दावर वन बाई टू डी एक्स अब इस फॉर्मूले से देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं एक्स टू दी पावर वन बाई टू डी एक्स तो ये आ जाएगा x टू दी पावर वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई वन बाई टू प्लस वन प्लस सी तो दिस विल गिव मी टू बाई थ्री एक्स टू दी पार टू बाई थ्री प्लस सी फाइन दिसमूला फाइन अब बच्चों इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं अगर मेरे पास दो फंक्शन एड है और पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन है जैसे एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स इसका मेरे को इंटीग्रेशन निकालना है डी एक्स तो दिस विल बी सम ऑफ देशन तो ये कुछ बहुत ही बेसिक से फंड है जो हम बहुत रेगुलरली यूज करते हैं और मैंने इन सबका प्रूफ भी आपको पढ़ाया है रिलेशन एंड फंक्शन में जहां पर इक्वेलेंस क्लासेस वगैरह पढ़े हैं वहां पर मैंने आपको ये सब बताया है कि कम्युटेटिव और एसोसिएटिव ये सब प्रॉपर्टीज हम प्रूफ कैसे करते हैं दूसरा अगर एक कॉन्स्टेंट के है मेरे किसी फंक्शन के साथ तो मेरा कॉन्स्टेंट एज इट इज इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और फंक्शन मेरा इंटीग्रेट होगा क्लियर है तो तो अब इस तरीके के के में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा मेरे ट्रिग्नोमेट्री का भी तो मैं बार बार कह रहा हूं सभी लोगों से कि प्लीज मेक श्योर कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मुले आते हों जैसे मैं सेकेंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करता हूं फॉर एग्जाम्पल अस टेक दिस क्वेश्चन दिस इज कॉस इनवर्स वर्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स ये क्वेश्चन एक्स ये फॉर्मूला होता है कॉस टू एक्स का कॉस टू थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस ये सभी नोट कर लीजिए देखिए जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आपको धीरे धीरे मैं सभी फॉर्मूले बताता जाऊंगा तो प्लीज मेक अ सेपरेट कॉपी और उस कॉपी में ये सभी फॉर्मूले नोट करते चलिए कॉस टू थीटा के इतने फॉर्मूले हैं जो मैं इस्तेमाल करूंगा ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ इंटीग्रेशन जहां पर मुझे जैसा इस्तेमाल करना है वैसा यूज करूंगा अब यहां पर देखिए यहां पर आपको हिंट कैसे मिलेगी यहां पर बच्चों कॉस इनवर्स है अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ चुके हैं हमें मालूम है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज थीटा तो अगर मैं अंदर कॉस ले आऊं तो मेरा इनवर्स हट जाएगा क्योंकि अभी मैंने इनवर्स का तो आपको फॉर्मूला बताया ही नहीं है देखिए हम ग्रेजुअली मूव करेंगे जिस एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज जिस फॉर्मूले पे बेस्ड है हम उस एक्सरसाइज में वही पर्टिकुलर फॉर्मुला पढ़ेंगे तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों दिस कैन बी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू एक्स डीएक्स अब यहां से बच्चों क्या आ जाएगा टू एक्स डीएक्स अब यहां पे टू तो कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लीजिए टू एक्स डीएक्स तो ये तो कितना आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी तो दिस विल बी एक्स सी, सीट तो दिस विल बी माय आंसर तो आप देख रहे हैं कैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन को काफी छोटा कर लिया है चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं प्लीज नोट करते जाइएगा बाई दी एंड ऑफ दोस्ट ऑफ द्वेश्चन विल बी सॉल्व देखिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस टू एक्स अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है अब अगेन बहुत सीधा सा फंडा है अगर यहां पर इनवर्स है तो मैं यहां पर भी टेन का टर्म ले ठीक तो टेन का टर्म मैं कैसे ला सकता हूं अब देखिए कॉस टू मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूं बहुत ध्यान से देखेंगे इसको लिख सकता हूं टेन इनवर्स अंडरू वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन ठीक है तो ये फॉर्मूला मैं यहां लगा देता हूं लगा दूंगा तो जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा बच्चों तो ऊपर कितना आ जाएगा ऊपर आएगा न्यूमरेटर में आई विल बी गेटिंग टू साइन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में आई विल बी गेटिंग दिस विल बी टू कॉस यहां पर बच्चों कॉस होगा करेक्ट कर लीजिए इसको दिस विल बी कॉस यहां पे आई विल बी गेटिंग टू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स अब टू से टू कटा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टेन स्क्वायर एक्स जब रूट के बाहर आ जाएगा बच्चों तो क्या बनेगा? केवल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स दिस बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी तो आप देखिए क्वेश्चन देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था बट अल्टीमेटली सॉल्व होके कितना आसान हो गया ऐसे ही देखिए वन माइनस कॉस टू एक्स ये मुझे सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल है मुझे जब कभी भी वन के साथ अब देखो यहां पर ट्रिक देखो जब कभी भी वन के साथ प्लस माइनस कॉस एक्स या वन के साथ प्लस माइनस कॉस टू एक्स आएगा तो ध्यान रखिएगा आपको ये वन हटाना है यहां से और ये वन हटाने के लिए आपको कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अब यहां पर देखिए अगर मैं लिख दू वन माइनस वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स ठीक जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कितना है भाई माइनस कैंसिल तो मेरे पास कितना आ जाएगा रूट टू साइन एक्स डीएक्स अब ये तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं ये तो मेरे पास सीधे फॉर्मूला है क्लियर है ना तो आप देख रहे हो कैसे चीजें हो रही हैं चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंप्रूव करते हैं चलिए बच्चों फटाफट से नेक्स्ट टू क्वेश्चन देखते हैं दीस क्वेश्चन अंशिका हेज योर सोल्यूशन अब ध्यान से देखें लॉजिक वही है इनवर्स अगर यहां पर है तो मुझे अंदर अगर मैं कॉट ले आऊं या टेन ले आऊं तो मेरा काम बन जाएगा ठीक है ना तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स इन टू कॉस एक्स राइट यहां पर वन माइनस कॉस टू एक्स देखो लॉजिक वही है मुझे वन हटाना है तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ठीक है ना अब देखो जब इसको ओपन करूंगा तो दिस विल बी कॉट इनवर्स एंड दिस विल बी टू साइन एक्स कॉस एक्स एंड दिस विल बी टू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स टू से टू कटा साइन एक्स से साइन एक्स कटा तो आई विल गेट कॉट इनवर्स कॉट एक्स डीएक्स दिस विल बी एक्स डीएक्स एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी आई होप अंश का आप क्लियर हो गया होगा दूसरा देखिए दूसरे में भी हम सेम लॉजिक लगाएंगे मेरे पास है टैन इनवर्स एंड कॉसे माइनस कॉट एक्स डीएक्स ठीक है ना इसको कैसे लिख सकता हूं टेन इनवर्स देखो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल है जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो तो दिस विल बी वन अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इन टू डी एक्स दिस इज अ गुड वन टेन इनवर्स एंड दिस विल बी वन माइनस कॉस एक्स एक्स साइन क्लियर है इसमें आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं देखिए कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स ठीक है ना तो यहां से कॉस एक्स अगर लिखना चाहूं तो कितना आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्लियर है फाइन ऐसे ही देखो साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो यहां से अगर मैं साइन एक्स का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो कितना आएगा टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू तो मैं ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यहां पर लगाने वाला हूं देखिए कैसे करेंगे टेन इनवर्स यहां पर कितना आएगा वन माइनस कॉस एक्स की जगह लिख दू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ये बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे मिलेंगे आपको और ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने किए हैं ठीक इन टू डी एक्स ये कितना आ जाएगा बच्चों टेन इनवर्स यहां पर आएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू यहां पर आएगा टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू इन टू डीएक्स टू से टू कटा साइन एक्स से साइन एक्स कटा तो आई गेट साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू तो ये कितना आ जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू डीएक्स दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई टू डीएक्स दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी क्लियर है लॉजिक पर ध्यान देना है आंसर अपने आप आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लियर है आई होप अंश का आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब लास्ट इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा अलग है अलग इन सेंस इस तरीके का और कोई क्वेश्चन है नहीं बट क्वेश्चन बहुत आसान है चलिए द क्वेश्चन से आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू दी हुई है दिस इज फोर एक्स क्यू माइनस सिक्स और f ऑफ जीरो बच्चों आपको दिया है थ्री और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको एफ एक्स निकालना है चलो अब लेक्चर शुरू करते वक्त मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के इनवर्स हैं मतलब अगर मैं डिफरेंशिएशन वाले टर्म को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे सीधे वैल्यू मिल जाएगी अब ध्यान से देखिए यहां पर आई कैन राइट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स इंटू डी एक्स राइट अब एफ डैश एक्स मतलब डीवाई बाई डी एक्स होता है मतलब डिफरेंशिएशन का फॉर्म है एफ डैश एक्स तो ये क्या आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा बच्चों ये क्या ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग इसको ब्रेक कर लेता हूं अभी मैंने आपको बताया ब्रेक करने का फंडा तो ये आ जाएगा फोर एक्स टू पावर फोर अपॉन फोर माइनस सिक्स एक्स ये आ जाएगा बच्चों एक्स टू पावर फोर माइनस सिक्स एक्स तो मुझे क्या मिल गया प्लस सी तो मुझे एफ एक्स कितना मिल गया एफ एक्स मिल गया बच्चों एक्स टू दी पार फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस सी अब यहां पर देखो मुझे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू दी थी जब कभी भी इसको इनिशियल कंडीशंस बोलते हैं जब कभी भी आपको ऐसी इनिशियल कंडीशंस दी हैं दैट मींस यू कैन वेरी मच डिटरमाइन वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट तो यहां पर मैं कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकता हूं कैसे पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो अगर एक्सिकल टू जीरो रख दूंगा तो एफ ऑफ जीरो बच्चों जीरो माइनस जीरो प्लस सी तो एफ ऑफ जीरो अगर मुझे c की value मिल गई तो अब मेरा answer क्या है मुझे FX निकालना था FX आ माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री तो दिस विल बी माई आंसर क्लियर है बहुत सिंपल था आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए चलिए एक एक दो क्वेश्चंस और करते हैं थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम इन इंटीग्रेशन बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज़ नॉट वेल प्रिपेयर तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मुले पता हो क्लास इलेवेंथ वाले एक और क्वेश्चन कर रहे हैं टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस दिस विल बी वन प्लस साइन एक्स डीएक्स ये मुझे इंटीग्रेट करना है अब देखो लॉजिक वही है यहां पर इनवर्स है मतलब मुझे यहां पर टैन या कॉट में से कुछ लाना है अब मेरे पास सबसे देखो दो तरीके हैं एक थोड़ा सा लेंदी है लेंदी तरीका भी समझ लीजिए पहले फिर शॉर्ट तरीका भी आपको बताऊंगा लेंदी तरीका क्या है बच्चों इसी क्वेश्चन के दो तरीके सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं देखिएगा मैं वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स को क्या लिख रहा हूं इंटीग्रेशन में बहुत से बच्चों की आंसर नहीं मैच कर रहा है क्योंकि यहां पर मैं साइन एक्स को लिख रहा हूं टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू राइट बिल्कुल लिख सकता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ऐसे ही नीचे भी लिख लेता हूं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस

होल स्क्वायर आ गया तो यहां पर एक तो ये तरीका है ये तरीका भी मैं फॉलो कर सकता हूं वरना अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या आने वाली है आगे बहुत से बच्चे ये अप्रोच उठाते हैं अब आप क्या करोगे ऊपर नीचे भाई अंडर रूट के अंदर है ये टर्म आपका अंडर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो अब आप क्या करोगे यहां पर आप इसको डिवाइड करोगे साइन एक्स बाई से ऊपर नीचे या एक्स बाई टू से ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हो दैट हार्डली उससे बेटर अप्रोच रहा हूं किए कंफ्यूजन ना हो जाए ऐसे करोगे तो थोड़ा सा लंबा रास्ता है ऐसे थोड़ा सा छोटा रास्ता है यहां पर देखिए क्या कर सकता हूं वन माइनस साइन थीटा को लिख दूस नाइनटी माइनस थीटा लिख सकता हूं ऐसे ही वन प्लस कॉस नाइंटी माइनस थीटा आप देख रहे हैं क्या लिखा है मैंने इसको सिंपल है अब यहां पर बच्चों में कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा ठीक है ना देखिए कॉस टू थीटा का फॉर्मूला अगर मैं ऐसे लगाऊं तो क्या आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू ये ध्यान रखिएगा यहां पर टू नहीं है अगर टू यहां पर नहीं है तो ये यह टू यहां पर आएगा तो ये आ जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू ये स्टेप अच्छा है बहुत से लोगों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्लियर है अब देखो नीचे वाला टर्म कितना आ जाएगा बच्चों ऐसे ही कॉस स एक्स को यहां पर प्लस लगा हुआ है भाई दिस इज वन माइनस तो यहां पर कौन सा फॉर्मुला लगाऊ टूर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू माइनस वन अब न्यूमरेटर में ये वैल्यू पुट कर दीजिए डिनोमिनेटर में ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया टेन इनवर्स आपका बाहर आ जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स देखिए वही लॉजिक जो मैंने आपको बताया था मैंने फॉलो किया और टेन इनवर्स के साथ मेरा टेन आ गया अब ये क्या आ गया बच्चों पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा ये आ जाएगा पाई बाई फोर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी क्लियर है तो दिस विल बी माय सोल्यूशन आई होप आपको समझ में आ रहा है चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं ये हम आपको पहले ही बता दें ताकि आप अपने फॉर्मूले के सेट के साथ तैयार रहो और आपको समझ में बेटर आए आज हमने पहली दो एक्सरसाइज कवर की है एमएल अग्रवाल की नेक्स्ट क्लास में हम अगली दो या मे तो बी तीन एक्सरसाइजेस कवर करेंगे और दो तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे पहला टाइप है जो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुले पे बेस्ड है अगर आपको क्लास 11 के फॉर्मुले आते हैं तो यूल टू डू इट नहीं आते हैं तो आई एम वेरी सॉरी यू वोट बी एबल टू डू इट तो प्लीज मेक श्योर कि क्लास इलेवेंथ के सभी फॉर्मुले आप रिवाइज कर लो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके साथ इलेवेंथ की फॉर्मूला शीट ट्रिग्नोमेट्री की अटैच होगी उसके साथ साथ इफ टाइम परमिट्स तो हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे एल्जेबरिक फ्रैक्शंस वाले कि वो इंटीग्रेशन कैसे होते हैं क्लियर है आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा मैंने अलग अलग टाइप के अनसोल्व क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है सो दैट मोस्ट ऑफ यू आर वेल अवेयर ऑफ द ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन केस यू हैव फाउंड दी कॉन्टेंट ऑफ द लेक्चर वर्दी इनफ अगर आपको समझ में आ रहा है इफ यू लाइक डिट प्लीज लाइक द वीडियो शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स subscribe the channel so that most many students can be benefited from it as i always say stay healthy stay safe and most importantly study well thank you